दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सब्जेक्ट आपको जल्दी कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन ईएमएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से मैक्सिमम आप लोगों के ये देखेंगे कि बैक आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने में बच्चे बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल में ज्यादा समय नहीं दे पाते। अब आप ही बताइए कि भाई ईएमएम भी तो आपका 50 मार्क्स का पेपर है और ईएमएम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है और एटलीस्ट आप क्या क्या पढ़ेंगे कि पास हो जाएंगे। समय आपके पास भी नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं हमारे बताए अनुसार, तो आप देखोगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो चाहे कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आप इतना देखोगे कि ईएमएम में आप पास हो जा रहे हैं। तो भाई ईएमएम में पास होने के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। मैं पहले बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप वहां से जुड़ जाइएगा, लेकिन इसका पीडीएफ मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग आलसी हो जाते हैं, उतारते नहीं है, लिखते नहीं है, नहीं लिखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए बाकी मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है और आपका इस नंबर पे आप कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां आपकी ईएमएम भी पढ़ाई जाएगी, टेक्निकल ड्राइंग भी पढ़ाया जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर के जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने बातें बोली वो सारी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका नंबर है दोस्तों, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लिखते हैं और आप भी लिखना शुरू कर दीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, और तैयार करना है, लिख करके रखना नहीं है, आपको तैयार भी करना है। ठीक है, सबसे पहला जो है यहां से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत होती है इस पेपर की, और ये है आप लोगों की अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, अदिश तथा सदिश राशियां जो होती हैं आपकी, आप इससे क्या समझते हैं इसको उदाहरण सहित समझाना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन होता है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहीं से आप लोगों की शुरुआत होती है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप लोगों से पूछा जाता है मैकेनिक्स की उपयोगिता। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी में तो बहुत मुश्किल है, मात्रात्मक त्रुटि होने के चांसेस ज्यादा है मैकेनिक्स लिखने में। ठीक है, तो आपका ये जो है दोस्तों मैकेनिक्स की उपयोगिता, मैकेनिक्स की उपयोगिता मैं आपको बताता हूं कि आपको बताना है कि मैकेनिक्स की क्या क्या उपयोगिता है। ठीक है, मैकेनिक्स की उपयोगिता को आप लिखिएगा, आप बताइएगा, और कम से कम 5 पॉइंट आपका होना चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। इसमें भी कम से कम 3-3, 4-4 उदाहरण दोनों में होना चाहिए तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर आपका नहीं मिलेगा। अब आपको मैं लेकर के चलता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में सीधे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं वो भी पूरा कवर नहीं कर पाते, तो भाई जब आप वो भी नहीं पूरा कवर कर पाएंगे तो अंतिम तक कम से कम कुछ चाहिए ना जो कि आपको पास करा दे। तो ये आपका है दोस्तों सोल्डरिंग, और यहां से आप लोगों को सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के प्रश्न यहां से निकल के आते हैं। सोल्डरिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, और सोल्डरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ते होंगे तो आप जब कंपनी में जाएंगे तो मैक्सिमम जगहों पे पीसीबी की सोल्डरिंग की जाती है, तो वहां पे सोल्डरिंग जब आपको कराया जाता है तो उस समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाता है जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन थ्योरेटिकली अभी आपको पता होना चाहिए ईएमएम का पेपर देने के लिए। ठीक है, सोल्डरिंग करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाता है, मतलब इसका मतलब आप उपयोग भी बताइए, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं वो बताइए, सोल्डरिंग क्यों किया जाता है ये बताइए, इससे आप क्या समझते हैं ये बताइए, सोल्डरिंग पूरा कंप्लीट। और इसके साथ ही साथ आपसे एक और चीज पूछी जाती है, ये है आपका सोल्डरिंग आयरन से रिलेटेड। सोल्डरिंग आयरन की सहायता से ही हम सोल्डरिंग करते हैं, तो सोल्डरिंग आयरन के बारे में पूछा जाता है और आपसे और फिल्म प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। ये आपका दो चीज तैयार होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेक्शन का ये चीज है और यहां पे पूछी जाती है। बाकी ईएमएम मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो चीजें है वो तो पूछी ही जाएंगी, बाकी जो आपका मटेरियल वाला जो सेक्शन है उससे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको तैयार करना है। उसके बाद आप लोग के पीसीबी के निर्माण की विधि,
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीसीबी का निर्माण करना है, जो निर्माण होता है पीसीबी का, उसका जो डिफरेंट प्रोसेस होता है दोस्तों, ये चीज आपसे समझाना, मतलब ये चीज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहां पे जब आप इतना चीज तैयार कर लेंगे, मतलब कि 7-8 मतलब 10-12 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप चलिए मैकेनिक्स वाले सेक्शन में, मैकेनिक्स वाले सेक्शन में बोले तो अब आप चलिए जहां से आपकी मेन चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। अब आपको जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका स्ट्रेस, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस की व्याख्या करने के लिए तथा स्ट्रेन की व्याख्या करने के लिए आता है। बीम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बीमों की व्याख्या करनी होती है। इसी में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है दोस्तों, कैंटिलीवर बीम। क्या आता है? कैंटिलीवर बीम आता है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम जो है आपका ये आता है और ये पेपर में, और इसके साथ ही साथ पॉइसन अनुपात आता है कि पॉइसन रेशियो से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसकी जो टोटल डिटेल वीडियोस हैं सारे टॉपिक की, एक एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर के, वो सारे कोर्स में मिलेगा आपको, क्रैश कोर्स उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ आपकी ईएमएम की वीडियोस आपके आएंगी एग्जामिनेशन टाइम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूट्यूब वाले बच्चों के लिए नहीं किया जाएगा, जबरदस्त तरीके से किया जाएगा, आप देखते रहिए, ठीक है। बस आप 17 तारीख के बाद से क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी कंटिन्यू हो जाएगी, बिल्कुल रेगुलर, ठीक है। चलिए, लामी के प्रमेय का नियम आप याद कर लीजिएगा, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के त्रिभुज नियम भी होते हैं, और इसके अलावा जो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है, ये आप तैयार कर लीजिएगा, भले कुछ तैयार करिएगा या नहीं, बल वाला, बल तथा बलों के विश्लेषण वाले चैप्टर से बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम पूछे जाते हैं, या फिर बलों के नियम पूछे जाएंगे सिंपल। और यहां पे आपसे पूछा जाता है दोस्तों, इस चीज को नोट करिएगा, लामी का प्रमेय। लामी का प्रमेय आप हर किसी भी साल का पेपर का उठा करके देख लीजिएगा पेपर, तो आपका लामी का प्रमेय जरूर पूछा होगा। तो आप इतना चीज तैयार कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल अगर आप नहीं भी तैयार करते हैं तो काम चल जाएगा, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन अगर मान लीजिए एक दो पूछ भी देता है तो थ्योरी तैयार है तो आप पास तो हो जाएंगे ना, न्यूमेरिकल के लिए इतना टाइम नहीं है। बस आप इतने टॉपिक को कम से कम तैयार करिए। ये टॉपिक मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये 50-50 ला देंगे, नहीं, लेकिन फेल भी नहीं होंगे अगर आपका इतना तैयार है तो, ठीक है ना। तो ये आपका बात है, 9-10 प्रश्न है आपके, किसी किसी में मैंने 2-2 प्रश्न भी लिख दिए हैं एक नंबर में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई मस्ती से करते रहिए, बट याद रखिए पेपर है, सीरियसली लेना है ईएमएम जैसे सब्जेक्ट को। बाकी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।